गहराई से सभी को सोचना है इस विषय में और थोड़ा सा समय हमें आध्यात्मिकता की तरफ जरूर देना चाहिए। अगर भौतिकता का और आध्यात्मिकता का दोनों का बैलेंस बना करके हम चलेंगे तो हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि ये जो जीवन रूपी गाड़ी है इसको भी बैलेंस बना के चलना है ना। कहां पर हमें टेंशन क्या है, गुस्सा आ गई, थोड़ी सी बात किसी ने कह दी, क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया, किसी को पर लड़ गए, अपने सृष्टि खराब कर लिए, और उसमें अगर थोड़ा सा हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते उस समय तो हमारे रिश्ते खराब नहीं होते। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आज दुनिया में हमारे एक दूसरे के प्रति रिश्ते खराब हो रहे हैं। और मन का योग सीखेंगे कि मन को और बुद्धि को हम परमात्मा की याद के साथ कैसे जोड़ें और उस याद से अपने मन को हम कैसे पावरफुल और तनाव मुक्त बनाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव चाहे किसी भी क्षेत्र में हम हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे नौकरी वाले हैं, चाहे गृहस्थी हैं, कुछ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो तनाव है हमारे मन को पड़ता है। तो मन को भी हमें स्थिर करना है और मन को स्थिर करने के लिए मन का योग भी सीखना है, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। उसके लिए आपको आधा घंटा, एक घंटा, जितना समय है सुबह शाम